सरोवर नर्मदा बंधनी जलसपाटी में घटाड़ो नोंधाई रह्यो छे। 48 कलाक में 7 सेंटीमीटर घटाड़ो नोंधाई रह्यो छे। हाल नर्मदा डेम 50% करता पण ओछू छे तेमां पाणी अने गया वर्ष सरखामणी में आ वर्षे डेम 20 मीटर जेटलो खाली छे। डेमना कैचमेंट विस्तार में वरसाद न पड़ता डेमनी सपाटी स्थिर थई छे। छेल्ला 10 दिवस 115 થી 116 वच्चे रहे छे। हाल नर्मदा डेमनी सपाटी 115.75 मीटर छे, जो के उपरवासमांथी 12000 क्यूसेक पाणीनी आवक थई रही छे। परंतु गुजरातमां वरसाद खेंचाता सिंचाई माटे खेडूतોએ પાણીની માંગ કરી છે। આથી રાજ્ય સરકારે નર્મદાની મુખ્ય કેનાલમાં રોજનું 12000 ક્યુસેક પાણી આપવામાં આવતું હતું, જેને વધારીને હાલ 18-20000 ક્યુસેક કરવામાં આવ્યું છે। નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે પણ જાહેરાત કરી છે કે ગુજરાતમાં પીવાના પાણીની તંગી નહીં પડે, તે નર્મદા ડેમમાં હાલ 4000 એમસીએમ લાઇવ સ્ટોરેજ પાણીનો જથ્થો છે। જો કે આવનારા દિવસોમાં જો વરસાદ ખેંચાય અને ઉપરવાસમાં પાણીની આવક ન થાય તો નર્મદા ડેમમાં પણ જળસંકટ ઊભું થઈ શકે છે અને ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી પણ આપવાનું બંધ કરી શકાય છે। सरदार सरोवर नर्मदा बंध की जल सपाटी सतत घटी रही है। आप जो रहे हो कि सरदार सरोवर उपरवास कैचमेंट विस्तार में पानी की आवक घनी ओछी थी रही है, कारण के उपरवास में कैचमेंट विस्तार में वरसाद ओछो है। वरसाद ओछो होने कारण पानी की आवक ओछी है, तरह सपाटी सतत ने सतत घटी रही है। यनी पाचड़ कारण है कि जो आवक है एटली एना करता डबल जावक कर रही है, केम के गुजरात में वरसाद घो ओछो है, जेने कारण खेडूत पानी की मांग कर रहा है। एट्ले सरकार द्वारा हाल में लगभग 20000 क्यूसेक जेटलू पाणी हाल में केनल द्वारा आपवामां आवी रह्युं छे, त्यारे 12-15000 क्यूसेक की आवक वच्चे 20000 पाणी क्यूसेक पाणी की जावक थई रही छे। एना लीधे जे सपाटी छे सतत घटी रही छे, तो एम कही शकाय के आगामी दिवसों में जो वरसाद सारो न पड्यो तो जळ संकट ऊभुं थाय एवी शक्यताओ छे। नर्मदा